पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के गौड़ जाति आदिवासी समाज सेवा समिति का वार्षिक उत्सव आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन हाउसिंग बोर्ड स्थित कमेटी हॉल में हुआ, जहां समाजजनों एवं प्रदेश भर से आए अतिथियों की उपस्थिति में बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अन्य सेनानियों को पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं समिति के सदस्यों द्वारा लोकगीत की प्रस्तुतियां भी दी गई। जानकारी देते हुए समाज अध्यक्ष शंकर सिंह मरावी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगातार 11 वर्षों से समाज के लोगों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि समाज की अच्छी पहल है जो यह पीथमपुर शहर में देश प्रदेश भर से आए लोगों को एकजुट कर एक दूसरे की समस्याओं में खड़े होकर उनका सहारा बने रहे। वहीं अंत में उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। जी बताएं, आज का जो ये आयोजन है सर, ये जो आयोजन है पीथमपुर में एक आदिवासी समाज गौड़ समाज का एक संगठन बनाया है जिसका नाम है पीथमपुर गौड़ जाति आदिवासी समाज सेवा समिति। और लगभग ये संगठन को रन करते हुए 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं सर, और हम लोग साल में एक बार विशाल रूप से अपना वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम करते हैं। बीच बीच में टांडिया मामा भील और उसके अलावा भी कहना चाहिए बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती इत्यादि और भी महापुरुषों का हम लोग कार्यक्रम मनाते रहते हैं छोटे रूप में। और ज़्यादातर कहना चाहिए अपने समाज के लोगों को हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रह करके हम उनका सहयोग करते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो भी संवैधानिक दायरे पर रह करके जो भी अदरवाइज और भी समाज के लोग रहते हैं, हम लोग सार्वभौम संपन्न के रूप में हम लोग उनका सेवा करते हैं और हेल्प करते हैं सर। शंकर सिंह मरावी, गोंडवाना अध्यक्ष, पीथमपुर। आज गोंडवाना समाज का जो प्रतिवर्ष अनुसार जो एक सम्मेलन होता है वार्षिक सम्मेलन, वो आज सम्मेलन है। और गोंडवाना समाज हमेशा देश के पूरे नागरिकों को एक संदेश देता है एकता का और अखंडता का। उस संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया और ये गोंड समाज कल्याण समिति के द्वारा हर साल प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि भाई हम लोग देश प्रदेश के अलग अलग जिले से अलग अलग स्थान से आए, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक परिवार के लोग रहकर एक परिवार के लोग समझकर हम लोग ये कार्यक्रम देते। इस कार्यक्रम का यही मुख्य संदेश है कि अनेकता में एकता, अनेकता का एक अनेकता में एकता का संदेश है और देश में एकता और अखंडता बनी रहे, ये खास उद्देश्य है। चाहे एस सी एस टी के लोग हो या ओबीसी के लोगों को, सब लोग, सभी आदिवासी समाज वर्ग और सभी अनुसूचित जाति के वर्गों के साथ ये कार्यक्रम और सेवा दी जाती है इस संगठन के द्वारा। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक भी जयंती है, हम उनके भी चरणों में नमन करते हैं पूरी गोंडवाना कल्याण समिति की ओर से। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो किसान परिवार से थे, जो उन्होंने हम सब किसानों को एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, उनकी भी आज जन्म जयंती है। हम इन दोनों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी गोंडवाना जनतंत्र और समाज कल्याण समिति की ओर से उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।